CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 7 की ध्वनि शाला में। प्यारे बच्चों आदाब, मैं डॉक्टर चमन आरा खां NCERT नई दिल्ली से। आज हम आपको आपकी 7वीं जमात की किताब अपनी जबान की दर्सी किताब से एक नज्म पढ़ाएंगे जिसका उन्वान है मेरा वतन। ये नज्म जो है ये लिखी है शफीउद्दीन नैयर ने। शफीउद्दीन नैयर के बारे में थोड़ा सा हम जान लें एक मुख्तसर तारुफ, उसके बाद फिर हम इस नज्म को पढ़ेंगे। शफीउद्दीन नैयर 1903 में पैदा हुए। नैयर इनका तखल्लुस था। अलीगढ़ के कस्बे अतरौली में इब्तदाई तालीम मदरसे से हासिल की, फिर अलीगढ़ तालीम हासिल करने गए, उसके बाद दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक स्कूल में उस्ताद मुकर्रर हुए और वहाँ पर 65 बरस की उम्र तक पढ़ाते रहे। शफीउद्दीन नैयर ऐसे शायर थे जिन्होंने सिर्फ बच्चों के लिए नज़में और कहानियाँ लिखी। उन्हें बच्चों से बहुत मोहब्बत थी। उन्होंने 70 से ज़्यादा किताबें लिखी। उनका इंतकाल 30 जनवरी 1978 को दिल्ली में हुआ। तो ये जो नज्म है मेरा वतन, ये भी शफीउद्दीन नैयर की नज्म है। इन्होंने ज़्यादातर जो नज़में लिखी हैं वो जो कुदरती मनाजिर हैं उन पर लिखी है, फूलों पे, बागों पे, इस तरह की नज़में जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखी हैं। जैसे बंदरवाला इनकी नज़म है, और भी बहुत सी नज़में हैं जो इन्होंने लिखी हैं। इसी तरह से देखिए वतन के ऊपर तो हमारी पूरी उर्दू शायरी में बहुत नज़में लिखी गई हैं। इसकी जो दूसरी और नज़में हैं जिसमें दुनिया में जन्नत, वक्त की डिबिया, ये सब नज़में हैं। शफीउद्दीन नैयर साहब ने जो ये नज़म लिखी है मेरा वतन, तो इसमें इन्होंने हिंदुस्तान के जो परिंदे हैं, चिड़िया है, तोता है, मोर है, बुलबुल है, चकोर है, इन सब का जिक्र किया है। झीलों का जिक्र किया है, दरियाओं का जिक्र किया है, झरनों का जिक्र किया है। तो आइए आज इस नज़्म को हम पढ़ते हैं और देखते हैं उन्होंने किन किन चीज़ों का जिक्र किया है। मेरा वतन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर, वो कोयल, वो बुलबुल, वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो सरसब्ज इसके पहाड़ और बन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, वो सरसब्ज बाग़ों की फुलवारियाँ, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ, ज़मीनें वो ज़रख़ेज़ दिलकश चमन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। पहाड़ों का मंजर, बनों का समा है, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा, ये बाग़े इरम है या बाग़े अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। शफीउद्दीन नैयर ने जो शुरुआत की है कि ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी एक फ़ख्र के साथ कह रहा है कि देखिए ये मेरा वतन है, कि जिसमें चिड़िया है, तोता है, मैना है, मोर है, और कोयल, बुलबुल, कुमरी और चकोर। तो कुमरी जो है ना फाख्ता की किस्म का बच्चों एक परिंदा होता है, उसकी आवाज़ जो होती है ना बहुत गूंजदार होती है उसकी आवाज़। और चकोर जो होता है तीतर की किस्म का एक परिंदा है, उसे चांद का आशिक भी कहा जाता है। कहते हैं ना वो चिड़िया, वो तोता, वो मैना, वो मोर। अब जैसे पहले शुरुआती उन्होंने नज़्म की ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, कहते हैं ये मेरा वतन है, ऐसे इस तरह से कह रहे हैं कि ये वो चिड़िया है, वो तोता है, वो मैना है, वो मोर है, वो कोयल है, बुलबुल है, खुमरी है, चकोर है, झीलों की लहरें हैं, यानी झीलें जो हैं उनमें जो लहरें उठती हैं वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो झरनों का गिरना ना पूरा एक मंजर हमारे सामने आ जाता है, झरने गिर रहे हैं, पानी का शोर हो रहा है, झीलों की लहरें हैं, दरिया जोरों पर है, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और बन। पहाड़ों का भी जिक्र कर दिया कि सरसब्ज
जिसमें हरियाली छाई हुई है। सरसब्ज के मायने होते हैं हरियाली, हरा, सरसब्ज इसके पहाड़ और वन। उसके बाद कहते हैं वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ, वो खुशरुंग फूलों की गुलकारियाँ। अब यहाँ पर वो गल्ले मेवे, गल्ले तो अनाज हो गया, मेवे जो होते हैं जैसे बादाम, पिस्ते और काजू वगैरह, ये सब मेवे होते हैं। तरकारियाँ यानी सब्जियाँ, वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, यानी गुलकारियाँ यानी ऐसे ऐसे फूल हमारे मेरे मुल्क के मेरे वतन में हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे, वो सरसब्ज बागों की फुलवारियाँ। और फुलवारियाँ भी हैं, और कैसी फुलवारियाँ हैं जो सरसब्ज हैं, वो सैराब और खुशनुमा क्यारियाँ। सैराब यानी पानी से भरी हुई, खुशनुमा दिल को खुश करने वाली खुशनुमा क्यारियाँ मौजूद हैं। ज़मीनें वो जरखेज दिलकश चमन, ज़मीनें जरखेज हैं यहाँ की, यहाँ पे जो है हर फसल पैदा होती है। जैसे कि बताया कई मौसम है हमारे यहाँ, गर्मी, सर्दी, बरसात और एक बाहर का मौसम भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हर मौसम की फसल है। ज़मीनें हैं, ज़मीनें जरखेज हैं, दिलकश चमन है, खूबसूरत चमन यानी बाग हैं। ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन यानी मेरे वतन में ये सब चीज़ें हैं। हर तरह के तरकारियाँ हैं, हर तरह के गल्ले हैं, गल्ला यानी अनाज हैं, दालें हैं, चावल, ये सब तरह की हर तरह की फसल जो है मेरे मुल्क में मौजूद है। और इतना जरखेज मुल्क है मेरा। इसी तरह से पहाड़ों का मंज़र, बनों का समा, पहाड़ों का मंज़र, पहाड़ों का मंज़र की बात कर रहे हैं, बनों का समा यानी बन जो है जंगलों में, जैसे पेड़ हैं, परिंदे हैं, जानवर हैं, झरने हैं, इनमें हज़ारों ही चश्मे रवां, और इसमें चश्मे रवां हैं, ये झरने हैं, चश्मा कहते हैं झरने को, तो चश्मे रवा हैं। कहाँ तक बयां हूँ इसकी खूबियाँ, मैंने कितनी खूबियाँ मैं इनकी बयान करूँ कि इसकी कोई हद नहीं है। इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना दिलकश मेरा वतन है, है फिरदौस का इस चमन पर घुमा। फिरदौस कहते हैं जन्नत को, तो जन्नत पर जो है ये चमन जो है यहाँ के, यहाँ के जो बाग हैं उनको देखकर ऐसे लगता है कि जैसे हम जन्नत का गुमान होता है, जन्नत तो नहीं लेकिन गुमान होता है, ऐसा महसूस होता है जैसे कि जन्नत में इसी तरह के फल फूल पेड़ पौधे गल ये सब चीज़ें होंगी। ये बागे इरम है या बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। जैसे कि मैंने बताया जो है क्यारियाँ हैं, गले हैं, यहाँ पे हर तरह के अनाज हैं, मेवे हैं, खुश्क फल हैं, बादाम है, अखरोट, किशमिश वगैरह वगैरह और भी हैं, तो जो इस मुल्क में पैदा होते हैं, सब्जियाँ हैं, गुलकारियाँ हैं, गुलबूटे हैं, फूल जो हैं उनको तराशा जाता है, सैराब हैं, पानी से भरे हुए हैं जो चश्मे हैं, जरखेज़ हैं ऐसी ज़मीन। जरखेज़ किसे कहते हैं, उपजाऊ को कहते हैं बच्चों, जिस ज़मीन में पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ हिंदुस्तान में हर तरह की फसल होती है, गर्मी की अलग है, सर्दी की अलग है, बरसात की अलग है, तो इस तरह की फसलें होती हैं जो मौसम के हिसाब से होती हैं। चश्मा ज़मीन से उबलता हुआ पानी का, पानी या सोता, ज़मीन से उबलता हुआ पानी, पहाड़ों पर देखे होंगे आपने झरने बहते हुए, और चश्मा जो होता है वो ज़मीन से उबलता हुआ पानी होता है। रवा यानी बहता हुआ, फिरदौस के माने जन्नत है, जो मैंने बताया कि एक साल उस पर चमन जो है, जो बाग हैं उन पर जन्नत का गुमान होता है। ऐसे ही गुमान, गुमान के माने होते हैं शक शुबा यानी वहम गुजरता है, हालांकि वो जन्नत नहीं है लेकिन जन्नत की जैसा है। जैसे हम कहते हैं अरे कितना खूबसूरत बाग है, कितना दिलकश बाग है, कितना खुशनुमा बाग है, ऐसा लग रहा है कि जैसे जन्नत में आई, हवाएं ऐसी चल रही हैं कि जैसे जन्नत की हवाएं आ रही हैं। हवा के बारे में भी कहा जाता है, इसी तरह से दिलकश, दिल पसंद है, दिल को लुभाने वाली है। ऐसे ही बागे इरम, बागे इरम कहते हैं जन्नत का बाग, इरम बागे इरम यानी जन्नत का बाग, इरम भी जन्नत को ही कहा जाता है। बागे अदन, बागे अदन वो जन्नत का बाग जिसमें हजरत आदम अलैहिस्सलाम को रखा गया था। तो इस नज़्म में ज़्यादातर जो मंज़र बयान किए गए हैं बड़े खूबसूरत मंज़र हैं, जिसमें सबसे पहला मंज़र जो है वो बागों का है, फूलों का है, परिंदों का है, उसके बाद चश्मों का है, पहाड़ों का है, दरियाओं का है। तो ऐसे ही इसी नज़्म के उस पर मुझे एक हमीदुल्ला अफसर का एक नज़्म है जैसा मेरा देश, उसकी एक चार लाइनें याद आ रही हैं जो उन्होंने अपनी नज़्म में कही हैं। कैसे अच्छे अच्छे दरिया वो उनका इठलाकर चलना, दो बहने हैं गंगा जमुना, दुनिया में सानी नहीं उनका, जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं।
देखिए जहाँ इन्होंने कहा कि दरियाओं के बारे में कहा है, ऐसी हमीदुल्ला अफसर ने भी कैसे अच्छे अच्छे दरिया, वो इनका इठला कर चलना। और दो बहनें यानी गंगा और जमुना का जिक्र कर दिया, गंगा जमुना उनका जिक्र क्या है, और दुनिया में उनको कोई स्थानी नहीं है, यानी उनको कोई दूसरा है नहीं, जैसी गंगा जमुना हमारे मुल्क में बहती हैं, तो जैसा मेरा देश है अफसर ऐसा कोई देश नहीं। अब हम सवालों की तरफ आते हैं कि शायर ने इस नज़्म में किन किन परिंदों का जिक्र किया है, तो वही है कुमरी का है, चकोर का है, बुलबुल का है, मोर का है, चिड़िया, तोता, मैना, इन सब का जिक्र जो है इस नज़्म के अंदर किया है। दिलकश चमन किसको कहा है उसने, वतन को कहा है। इस नज़्म में हमारे वतन की क्या क्या खूबियाँ बयान की गई हैं, जो खूबियाँ बयान की गई हैं उनको आपको इसमें से देखकर समझकर लिखना है। और वो क्या खूबियाँ हैं, वो यही है कि भाई आपकी ज़मीन ज़रख़ेज़ है, यहाँ हर तरह के परिंदे हैं, हर तरह के मेवे, हर तरह का जो है वो अनाज यहाँ पैदा होते हैं, और यहाँ के बाग, यहाँ के झरने, यहाँ के पहाड़, इन सब का जिक्र जो है भारत शायर ने, शबीद्दीन नय्यर ने बड़ी खूबी से बयान किया है। और उसमें जो ज़बान का इस्तेमाल किया है वो बड़ी आसान और आम फहम ज़बान है, यानी ऐसी ज़बान है जिसको आप जो है वो आसानी से समझ में आ जाती है। कोई मुश्किल लफ्ज़ जो है उन्होंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि सारे लफ्ज़ जो हैं वो आसान हैं और उसकी मौजू की मुनासबत से हैं, क्योंकि वो वतन के फूलों का, बाग़ों का इसका ज़िक्र कर रहे हैं, तो उसमें ये सब लफ्ज़ों का, दिलकश जैसे लफ्ज़ है, खुशनुमा लफ्ज़ है, तो इन सब लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी जो है वो ज़रूरी होता है। क्योंकि कोई भी हम कोई भी चीज़ लिखते हैं या कोई नज़्म लिखते हैं, क्योंकि नज़्म जो है बच्चों एक मुसलसल इज़हार ख़्याल होता है, नज़्म जो है किसी मौजू पर मुसलसल इज़हार ख़्याल करते हैं, जैसे कि ये नज़्म है मेरा वतन, तो मेरे वतन में क्या क्या चीज़ें हैं, मेरा वतन कैसा है, इस पर जो है वो शायर का पूरा जो है फोकस है। और उसमें वो यही बताते हैं कि मेरा वतन हिंदुस्तान बहुत ही अच्छा वतन है, और उसमें ये सब चीज़ें जो ऐसा लगता है कि जैसे जन्नत का गुमान इस पर हो रहा है। और खूबियाँ भी बयान की हैं अपने वतन की, कि हर तरह के अनाज हैं यहाँ पर, हर तरह के परिंदे हैं, और हर तरह की मेवाजात यहाँ पर हैं, हर तरह के परिंदे, ये सब हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। बच्चों एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप जब भी कोई नज़्म पढ़ें तो ठहर ठहर के पढ़ें, नज़्म को नज़्म के अंदाज से पढ़ें, इस तरह से पढ़ें कि हर चीज़ हर आप पर वाजे हो जाए, लफ्ज़ को दुरुस्त अदायगी के साथ, मुनासिब लबो लहजे के साथ जो है आप उसको पढ़िए, तलफ़ुज़ का ध्यान रखिए, दिलकश को दिलकशी बोलिए, दिलकश मत बोलिएगा, क्योंकि उसकी मीनिंग फिर जो है वो बदल जाएंगे। ऐसे ज़रखेज़ लफ्ज़ है तो ज़रखेज़ मत करिए उसको, ज़रखेज़ पूरा क़े और ज़े की आवाज़ जो है वो पूरी निकलनी चाहिए। इसी तरह से जो है खुमरी है तो कुमरी ना निकल जाए आपके मुंह से, तो कुमरी को ख़ाफ की आवाज़ जो है वो बाकायदा आपको तलफ़ुज़ को ऐसे ही अदायगी करनी है, और मुनासिब लब व लहजे के साथ, मौजूनियत के साथ उसको पढ़ना है और पढ़कर समझना है, समझ कर उसको जो मरकज़ी ख्याल है उसको लिखना है। मरकज़ी ख्याल क्या है, वो यही है कि वतन के बारे में, वतन की अहमियत को, वतन की खूबियों को शायर इस नज़्म में बड़े खूबसूरत अंदाज से बयान करता है। पैगाम क्या देना चाहता है, पैगाम यही देना चाहता है कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान जो है वो इतना दिलकश और इतना अच्छा है कि इस पर जन्नत का गुमान होता है मुझको, क्योंकि ज़रख़ेज़ ज़मीन है यहाँ की, बाग फल और बाग है, मेवाजात हैं, बागों में तरह तरह के फूल खिले हुए हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो इसमें आपने देखा होगा कि हर चीज़ धुल जाती है, सब्ज़ा जो है वो चारों तरफ साफ़ सुथरा नज़र आता है, फूलों में जान पड़ जाती है, कलियों में जान पड़ जाती है, और परिंदे भी चहचहाने लगते हैं और खुश होते हैं क्योंकि गर्मी से सबका बुरा हाल होता है। तो इस तरह से उसने जो शुरुआत में जो एक कहा है कि मेरा वतन है, ये मेरा वतन है, एक बड़ाई बयान कर रहा है, अपने वतन की खूबियाँ बयान कर रहा है। इसी तरह से इसमें कुछ लफ्ज़ दिए गए हैं, नीचे लिखे हुए कुछ लफ्ज़ हैं, उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। जैसे इसमें है वतन, तो वतन पे आप वतन लिखिए और वतन को जुमले में इस्तेमाल कीजिए कि मेरे वतन का नाम हिंदुस्तान है,
और उसमें बहुत दिलकश बाग है। इसी तरह से मंज़र है, तो पहाड़ों का मंज़र बहुत अच्छा मालूम होता है। तो मंज़र लफ्ज़ जो है उसमें ज़रूर आना चाहिए, उसकी मीनिंग मत लिखिएगा बल्कि उस मंज़र को, क्योंकि लफ्ज़ अपने आप में कुछ नहीं होता, बल्कि लफ्ज़ को जब हम जुमले में इस्तेमाल करते हैं विद कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वो उसकी अहमियत बहुत बढ़ जाती है। ऐसी चमन लफ्ज़ है, ऐसी समा, कैसा खूबसूरत समा है या कैसा दिलकश समा है। तो समा यानी कैफियत, एक तरह से किस तरह का मंज़र है, तो वो मंज़र जो है वो आप इसके अंदर समा में लिख सकते हैं, कैसा अच्छा समा है या कितना खुशगवार वक्त है। तो इस तरह से और भी बहुत सारे इसके अंदर लफ्ज़ हैं जिनको आप जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही इसमें जैसे तरकारी है, तो तरकारी जो है वो वाहिद हो गया, उसके जमा तरकारियाँ हो गई। ऐसी जो है इसमें चश्मा है, तो उसकी जमा जो होगी बहुत सारे चश्मे यानी चश्मों। ऐसी जो है बाग, बाग की जमा बागों। इस तरह से नज़्म में जितनी भी वाहिद जमा और मुतज़ाद अल्फाज आ रहे हैं उनको इसी नज़्म से भी तलाश करके लिखिए। ऐसे ही इसमें मैंने बताया था जैसे लिखते वक्त भी इन जो इमला जो लिखते हैं आपकी मैडम आपको लिखवाती हैं, या घर में आप अपने इमला लिखते हैं, आपके घर में आपकी बहन या आपकी मदर आपको इमला लिखवाती हैं, तो उसमें जैसे इसमें है तरकारियाँ, तो आपने अगर उसको सही सुना होगा तो सही लिखेंगे, अगर आपने सुन लिया तरकारियाँ तो उसको क्या लिखेंगे, तरकारियाँ। तरकारियाँ तो कोई लफ्ज़ होता ही नहीं है, तरकारी है, तरकारियाँ हो गया। इसी तरह से अब जैसे बागों, बागों तो गैन की आवाज़ में लिख के आपने गाफ उसके अंदर लिख दिया तो वो जो है बागों, तो बागों तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो है इसका इमला जो है वो दुरुस्त आपको लिखना होगा। ऐसी मंजर है, तो मंजर को मीम नून और जो और रे से लिखा जाता है, और अगर आप उसको जे से लिख देंगे तो वो मंजर मंजर नहीं रहेगा, गलत लिख जाएगा। तो लफ्ज़ों को सही हिज्जे के साथ लिखना, सही तलफ़ुज़ के साथ लिखना, ये भी बहुत ज़रूरी है। इसी तरह वतन है, वतन वाव तोय और नून है, तो आप इसमें वतन को जो है बहुत से बच्चे लिख देते हैं वाव ते और नून वतन, तो ते तो उसमें है नहीं बल्कि तोय है, तो तोय को जो है उसमें लिखा जाएगा। तो इसी तरह सरसब्ज़ है, तो सरसब्ज़ को आप सीन रे सीन से ना लिख कर स्वाद से लिख दें तो वो लफ्ज़ गलत हो जाएगा। तो इस तरह से इमला भी आपको दुरुस्त करना है, तलफ़ुज़ भी आपको उसकी अदायगी भी सही से करनी है, और उसको उसका जो मतलब है उसको जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही मुनासिब लफ़्ज़ोलॉजी के साथ और मौजूनियत के साथ आपको पढ़ना है, मौजू करके पढ़ना है। यानी कि आप एक आंग होता है ना, एक लय होती है एक नज़्म के अंदर, उसी नज़्म के तहत उसको पढ़ना है। जैसे ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर, वो कोयल वो बुलबुल वो कुमरी चकोर, वो झीलों की लहरें वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना वो पानी का शोर, वो सरसब्ज उसके पहाड़ और वन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन। देखिए एक ही लय में, लय आपकी एक ही होनी चाहिए, और अगर आपको आपने उसको ऐसे पढ़ दिया वो चिड़िया वो तोता वो मैना वो मोर इस तरह से, तो कोई भी नज़्म होती है ना उसका अपनी एक लय होती है, उस लह में जो है अगर आप उस नज़्म को पढ़ेंगे तो मज़ा भी आता है, सुनने वालों को भी अच्छा लगता है। आप जब उसको पढ़ें या उसकी किरत करें या उसको बुलंद खानी करें तो आवाज़ का भी आपको उतार चढ़ाव आपको देखना है। तो बहुत ज़्यादा ये ना हो कि बहुत खींच के पढ़ना है या बहुत ज़्यादा ऊपर एकदम चढ़ा दिया उसको, तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान पढ़ते वक्त रखना है। जैसे मैंने बताया था चिड़िया, तो चिड़िया की जमा चिड़ियाँ हो गई, बुलबुल बुलबुलें, झील की जमा हो गई झीलों, दरिया की जमा दरियाओं, फिर झरना झरना की झरनों हो जाएगी, पहाड़ की पहाड़ों होगी, और मेवे की मेवों हो जाएगी। तो इस तरह से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद अगर आप बनाएंगे तो नए नए लफ्ज़ भी आप लिखेंगे और इस तरह से आपकी ज़खीरे अल्फाज में इजाफा होगा। और बच्चों आप भी नज़्म लिख सकते हैं किसी भी उस पर, इन्होंने तो वतन पे लिखी है, आप किसी भी मंजर पर, आप फूल पे लिख सकते हैं, आप बरसात पे लिख सकते हैं, या पहाड़ पे लिख सकते हैं, या कोई आपको परिंदा नज़र आता है तो चिड़िया पे भी लिख सकते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगे उस पर आप नज़्म। लेकिन लिखते वक्त
जब आप लफ्ज़ों का इंतखाब करें। अब जैसे चिड़िया है, तो चिड़िया से मुतालिक जितने लफ्ज़ हैं, जैसे चिड़िया आई, दाना लाई, इस तरह से, तो चिड़िया से मुतालिक जो जो चीज़ें हैं वो आपको उसके अंदर जो लफ्ज़ियात हैं उनका इस्तेमाल जो है सही तरीके से करना होगा। चिड़िया आई, दाना लाई, या फिर एक नज़्म जो है वो कि एक बुढ़िया ने चिड़िया पाली, नन्ही मुन्नी भोली भाली, पाली और भोली भाली, तो इस तरह से उसमें पूरा ये कहानी है कि एक दिन बुढ़िया भूखी आई, जल्दी जल्दी खीर पकाई, मुंह धोकर वो खाने बैठी, चिड़िया गीत सुनाने बैठी। बुढ़िया ने सब कुछ खा डाला, चिड़िया को भूखा ही डाला। चिड़िया जब पिंजरे में आई, भूख से उसको नींद ना आई, चू 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 करके रोई, सारी रात इसी में कोई। सुबह हुई और मुर्गा बोला, बुढ़िया ने तब पिंजरा खोला, प्यार से जब उसको चमकारा, चिड़िया ने तोतों से चोंचों से मारा। बुढ़िया भागी अंदर आई, मिट्टी भरकर दाना लाई, जब बुढ़िया ने दाना खिलाया तब चिड़िया ने गीत सुनाया। तो देखा, ये भी एक गीत है और चिड़िया पर है, बुढ़िया और चिड़िया की कहानी के नाम से है, बरकतुल्ला फ़िराक़ की नज़में, जो कि बच्चों के शायर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी हैं। तो ये मुझे एक नज़म याद आ गई, क्योंकि आपको बता रही थी कि नज़म को किस तरह से लिखा जाए, तो वो नज़म आप लिख सकते हैं। फिर ये है कि मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर आप नज़में भी जमा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं यार बच्चा नज़म लिख सके। आप नज़म नहीं लिख सकते तो मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर नज़में इकट्ठी कीजिए, उन नज़मों को याद कीजिए, इस नज़म को याद कीजिए और उसको सुनाइए आप अपने घर वालों को, और या फिर जो है तरन्नुम से गाइए, मिलकर गाइए, दो तीन लोग अगर मिल के गाएंगे तो और अच्छा लगेगा। तो गाने से क्या होता है वो जल्दी समझ में आएगी, और बच्चे आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो होते हैं ख़ासतौर पे नर्सरी केजी के, या तो इस तरह के बच्चे जो है ना नज़में गा गा के पढ़ते हैं तो उनको याद भी हो जाता है। क्योंकि आपकी बड़ी क्लास है, क्योंकि पाँचवीं क्लास आप पास कर चुके हैं, प्राइमरी आपका इब्तदाई जमातों से आप निकल कर अब आप प्राइमरी में दाखिल हुए हैं, तो अपर प्राइमरी में आपसे क्या तवक्कु की जाती है, यही तवक्कु की जाती है कि आप नए नए अल्फाज जो हैं उनको समझेंगे, और ज़बान मतलब आपने जो वहाँ पर सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीखा है, तो यहाँ अगर आपका जो मयार है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, थोड़ा ऊँचा हो जाएगा, और वो कैसा होगा ऊँचा, कि आप रवानी से बोलेंगे, रवानी से अपनी किसी बात का इजहार करेंगे, किसी मंजर को देख के उसके बारे में दो चार जुमले भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इस तरह के जुमलों को लिखेंगे, या वतन से मुतालिक और किसी ने जो नज़में कही हैं, जैसे मैंने अभी आपको सुनाई थी हामिदुल्लाह अफसर की नज़म, और भी अल्लामा इकबाल ने भी लिखी है नज़में, तो उन नज़मों को भी आप ले सकते हैं, या और जो मनाजिर फितरत पर लिखी गई हैं नज़में, उन नज़मों को भी आप इंटरनेट से तलाश कीजिए, उनको लिखिए और उनका एक वो बना लीजिए। ऐसे ही अब इसमें जो है वो से शेर मुकम्मल करने हैं, तो मिसरों को सही तरतीब से देके लिखना। मिसरा दे दिया इसमें, वो गल्ले, वो मेवे, वो तरकारियाँ। अब इसमें मुझे देखना है कि इसमें वो खुश रंग फूलों की गुलकारियाँ, तरकारियाँ और गुलकारियाँ, कहाँ तक बयां उसकी हों खूबियाँ, वो झीलों वो सरसब बागों की फुलवारियाँ, है फिरदौस का इस चमन पर गुबा, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर। तो इस तरह से आपको नज़्म जब आप देखेंगे, तो ये जो किताब में जो मशकें दी गई हैं, उस मशक में ये लिखा गया है कि मिसरों को सही तरतीब से लिखकर शेर मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जो शेर होता है दो मिसरों पर मुश्तमिल होता है, पहला मिसरा और दूसरा मिसरा, तो दोनों मिसरों को आपको जो है मिलाना है। अब इसमें एक एक मिसरा इधर दिया है, तो दूसरा जो है वो आप अगर आपको नज़म याद है तो बखूबी उसको लिख सकते हैं, नहीं तो आप उसको देखकर और उस नज़म को कीजिए। अच्छा, इस ज़बान को मैं ये भी कहूँगी कि आप ये भी कर सकते हैं कि नज़म को ज़बानी याद कर लीजिए, क्योंकि बहुत छोटी नज़म है और ज़बानी याद की जा सकती है। ज़बानी याद कीजिए, फिर उसको जो है वो तरन्नुम से गाइए, और उसके बाद ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में जब आपको याद होगी नज़म ना, तो आप आराम से उस नज़म को लिख सकते हैं। अब इसमें गौर करने वाली बात यही है कि इसमें वतन की जो सबसे बड़ी वतन की अहमियत को बयान किया है शायर ने, शफीउद्दीन अय्यर ने, और इसके अलावा वतन की या मुल्क की
हमारे मुल्क हिंदुस्तान की बहुत सारी खूबियों को मुख्तसरन बयान किया गया है, क्योंकि नज़्म तो मुख्तसर बयान होता है, बहुत कम लफ्ज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा बात कह दी जाती है, और नसर जो होती है उसको हम इतने वजाहत के साथ लिखते हैं। जैसे अब ये मेरा वतन है, मेरा वतन पे आप मज़मून भी लिख सकते हैं बच्चों, तो एक मज़मून जब लिखेंगे तो आप उसमें लिखिए कि भाई मेरा वतन हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में इतना ये चीज़ें हैं जो आपने इसमें देखी है, जो आप महसूस करते हैं, उन सब चीज़ों को लिखिए, एक पैराग्राफ कम से कम आप लिख सकते हैं मेरा वतन पर। ऐसे ही इस वतन की मोहब्बत और दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है कि शायर को अपने वतन से कितनी मोहब्बत है, वो ये कहता है ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन, यानी उस पर एक फ़ख्र महसूस करता है कि देखिए मेरा वतन कितना दिलकश है, कितना खूबसूरत है मेरा वतन, मेरा मुल्क, मेरा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है कि यहाँ पर हर तरह के पर फूल हैं, क्यारियाँ हैं, चश्मे हैं, झरने हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो आप इन सब चीज़ों को अपने नज़्म में भी अगर अगर लिख सकते हैं तो नज़्म में लिखिए। नज़्म ज़रूरी नहीं आप मेरे वतन पे ही लिखें, किसी और मौजू पे भी लिख सकते हैं, मेरे वतन पर आप मज़मून भी लिख सकते हैं, वतन पर कोई ड्रामा भी आप जो है वो लिख सकते हैं, उसको स्टेज कर सकते हैं, वो ड्रामा आपको जो है वो बनाना पड़ेगा, अगर आप बना सकते हैं तो उसको जो है वो बना सकते हैं, और उसमें कुछ मुकालमे वगैरह जो है वो डाल दीजिए, और बहुत कितना 5 मिनट का बनाइए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 5 मिनट में ही आप अपनी बात को जो है बयान कर सकते हैं। तो मैं समझती हूँ बच्चों आपको इस नज़्म से एक तो पढ़ना, मौजूनियत के साथ पढ़ना, और दूसरे ये कि लह के साथ पढ़ना, सही तलफ़ से अदायगी करना, और इस नज़्म का जो मरकज़ी ख्याल है उससे वाकफियत हो गई होगी। इसके अलावा वतन की अहमियत को जो शायर ने जो बयान की है, ज़बान को जो लिखा है, जो उनका अंदाज़ है, जिसको कहते हैं हम तहरीर उसलूब कहते हैं, जिसको स्टाइल कहते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है। तो आप इस पर जो है वो अपने ख्यालात का इजहार लगिए कि आपको ये नज़्म कैसी लगी और क्यों अच्छी लगी, इस पर कम से कम 5 जुमले तो आप लिख ही सकते हैं। और मैं समझती हूँ बच्चों आपको आज की नज़्म बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और आप जो है इस नज़्म को पढ़िए, पढ़ने के बाद उसको समझिए, समझ के फिर लिखिए। तो इस तरह से ये नज़्म जो है वो वतन की अहमियत, उसकी वतन से मोहब्बत और वतन दोस्ती के जज्बे को नज़्म में उभारा गया है। तो इसके साथ ही मैं समझती हूँ आपको ये नज़्म बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनिशाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो, तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।